जी अगर आज की बात करें कोर्ट के अंदर किस तरीके की आपने अपना पक्ष रखा और किस तरीके से उनको जेल भेजा गया? देखिए जेल नहीं भेजा गया, आज अगर आप देखें जो कोर्ट में हुआ है वो बहुत कुछ दर्शाता है। सीबीआई ने आज बात क्या कही कोर्ट में कि जी बदनामी हमारी हो रही है बाहर समाज में और आदेश आप देते हैं 5 दिन पे रिमांड, मतलब वो जो गलतियां भाजपा सीबीआई से करा रही है उससे कॉन्शियस है सीबीआई, और आज उसके अंतर्तम में ये पीड़ा थी कि मुझसे गलत कराया जा रहा है, इस कारण से वो दोषारोपण कोर्ट पे करना चाह रहे थे कि हमने थोड़ी जेल भेजा है, आपने भेजा है जेल, 5 दिन की रिमांड आपने भेजी, 2 दिन की रिमांड आपने भेजी, तो हमारी निंदा क्यों हो रही है? तो जज साहब भी हंस रहे थे कि निंदा हमको कैसे हम रोक सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि भाजपा का जो असली एक्सपोजर है सीबीआई आज कर गई कि भाजपा ने सीबीआई का दुरुपयोग किया एक ऐसे शख्स को तंग करने में जिस शख्स ने पूरे दुनिया में भारत का नाम शिक्षा क्रांति के माध्यम से उजागर किया, रोशन किया, लाखों करोड़ों बच्चों को प्राइवेट से बेहतर शिक्षा दिलवाई गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उन बच्चों को एम्स में एडमिशन कराया, IIT में एडमिशन कराया, अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आज सीबीआई अपने इस कथन से इस बात को मान गई कि वो गलत कर रही है मनीष जी के साथ। एक प्रोसेस है उसके जरिए, चूंकि वो अब PC मांग नहीं रहे थे तो JC में उनको भेजना पड़ा, जैसा आपको वो प्रोसेस में जो 14 डेज के लिए जाता है रूटीन है, वो 20th को वो पेश करेंगे, उसके पहले हमारा बेल एप्लीकेशन की आर्गूमेंट है 10 मार्च को, तो उसके मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार चीज़ें निकल के आई हैं उस दिन मनीष जी को रिलीज कर देना चाहिए। और मनीष जी ने जब अब चूँकि JC में जा रहे हैं तो अपनी 4 मांगे रखी उन्होंने, एक तो की जी मुझे विपसना सेल में, विपसना एक ध्यान पद्धति है भगवान बुद्ध का जिसके जरिए लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं विपसना का, और अरविंद जी हों, मनीष जी हों, मैं हूँ, हम सब लोग विपसना का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी मांग करी उन्होंने कि विपसना सेल में रखा जाए, तो वो मान ली बात। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की उन्होंने मांग की, वो भी बात मान ली गई, पेन पेपर और चश्मे की मांग की, वो भी बात मान ली गई। तो आज कुल मिलाकर के भाजपा के लिए हार है और मुझे लगता है कि हर लिहाज से 10 तारीख को मनीष जी घर आ जाएंगे। 10 तारीख को लगता है कि बेल एप्लीकेशन जो आपने की तरफ से लगाई है, अगर राजनीतिक दबाव ना हो, अगर राजनीतिक दुरुपयोग करना बंद कर दे तो केस ही नहीं होता, अरेस्ट तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि 10 तारीख को हर लिहाज से मनीष जी के ऊपर ये खत्म हो जाना चाहिए। आज आपके साथ तरफ से कुछ रखे गए थे तथ्य कोर्ट के अंदर? हमने वही रखा, भाई देखो वो शुरू से क्या कह रहे थे कि हमारे कि ये बोल नहीं रहे, ये बोल नहीं रहे, तो भाई वो कोई क्राइटेरिया थोड़ी है, जो सच होगा वही तो बोलेगा। आप चाह रहे कि उससे कन्फेशन लिखवा लें, उसे झूठ बुलवा लें, तो होगा नहीं। तो इसलिए आज एक तरह से सच की जीत है कि उनको PC नहीं मिला आगे, अब माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया, JC भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, और 20 तारीख को उनकी पेशी है, 10 तारीख को उसके पहले हमारा बेल आर्गूमेंट है।